पहली बात भक्ति की यात्रा विश्वास के बाद ही आरंभ होती है। जिसका विश्वास ही नहीं उसकी यात्रा आरंभ कैसे होगी? जिसका विश्वास है कि हमारे स्वामी श्री सीताराम जी हैं, उसकी भजन की यात्रा आरंभ हो जाएगी, सीताराम सीताराम राम राम करेगा। जिसका विश्वास है कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी है, यह गौरीपति देवाधिदेव महादेव भगवान भवानी शंकर विराजमान हैं, उसकी यात्रा भावपूर्ण सुरी हो जाएगी, नमः शिवाय कर उठेगा। जिसको विश्वास है कि माता जगदम्बा विराजमान है, वही भाव से कहेगा शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिसको विश्वास है कि वृंदावन बिहारी श्री राधा कृष्ण ब्रज में है, वही कहेगा जो को वृंदावन रस चाखे, फीकी लगे खाण अरु खटरस आन देश की दाख है। पर्यो रहे कुंजन के कोने श्याम राधिका भाख है, भूख लगे तब पावे भाजी निरखी रहे तरु साख है। व्यास वास ब्रज को सो पावे जो ब्रज स्वामिनी राख है। जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान श्री राधा कृष्ण है, हम उनकी शरण में हैं। जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान श्री सीताराम जी हैं, हम उनकी शरण में हैं। इधर देखो उधर नहीं, बातचीत नहीं। और जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान भवानी शंकर काशी में हैं, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार, वे आनंद में झूमने लगते हैं। और जिनकी दृढ़ भावना है श्री जानकी जी जनकपुर में प्रकट हुई, वे कहते हैं तजिन्या रो रहो नहीं जाए मिथिला नागरिया, तजिन्या रो रहो जनकपुर का आनंद लेता है। आप विचार करो जितनी भी यात्राएं आरंभ हुई हैं केवल विश्वास से हुई हैं, बिन विश्वास भगति नहीं। अब इन विश्वास करने वालों से कोई तार्किक कहे तुमने देखे हैं भगवान, और देखे हैं तो हमें दिखाओ, होते ही नहीं है। अच्छा, तार्किक के इस प्रश्न का उत्तर कोई भक्त नहीं दे सकता, भक्त तर्क से हार जाता है।
से हार जाता है लेकिन भगवत प्राप्ति में जीत जाता है। इसलिए भक्त कभी विवाद नहीं करता। पार्वती माता ने विवाद नहीं किया। सप्त ऋषि आए और उन्होंने कहा क्या चाहती हो तुम, शिवजी से विवाह? इतनी निंदा की भगवान शंकर की, हम तुम कहां बर नीक बिचारा। लक्ष्मीपति वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह कराएंगे। पार्वती जी ने कोई विवाद नहीं किया। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, पर जाकर मन रम जाहि सन तेह तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रमता है उसके लिए वही ठीक है। एक बार एक विद्वान विद्यार्थी पढ़कर आया, मां ने कहा कि बेटा बहुत दिन में आया, नाश्ता कर ले। एक तस्तरी में दो लड्डू रखे। पिता भी पास आकर बैठ गया। बेटा बोला ऐसी पढ़ाई पढ़ी है, असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली पढ़ाई की बातें बाद में करना, पहले जलपान कर ले। बेटा बोला जलपान बाद में, पहले चमत्कार देखो। लड्डू कितने हैं? मां बोली दो। बेटा बोला तीन। तीन कैसे हैं तो दो? बोली यही तो विद्या का चमत्कार है। गिनो तुम, फैसला मैं करूंगा। अम्मा ने लड्डू गिनना शुरू किया, एक। बेटा बोला ठीक। और जैसे ही दो पे उंगली रखी, दो, तो बेटा बोला दो और एक तीन। गणित का सिद्धांत है। अब मां कहे एक इधर और दो इधर, तो वो कह दे दो और एक तीन। और इधर एक कहे उधर दो कहे, तो कह दे दो और एक तीन। अब मां ने कहा कि बेटा मैं तुमसे जीत तो नहीं सकती, मेरे पास कोई तार्किक सबूत भी नहीं है, लेकिन लड्डू दो ही है। बेटा बोला ऐसे थोड़ी सिद्ध करो, विद्या का चमत्कार तो यही है। पर उसका पिता बैठा था पास में, वो भी तो उसी बालक का पिता था। और उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, हमें साफ दिख रहा है कि लड्डू तीन है, हमने तुम्हारी बात मान ली, लड्डू तीन है। बेटा मुस्कुराया कि मेरी विद्या का चमत्कार आपने स्वीकार किया। पर पिता बोला लड्डू तीन, अब एक काम करना, एक लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, एक लड्डू मैं खा लूंगा, तीसरा तुम खा लेना। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि इन तार्किकों के हाथ लगा क्या नहीं लगा है, और इसीलिए इनकी बुद्धि परेशान है। और मैं कहता हूं अगर भक्ति की यात्रा करनी है तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं। भगवान है ये विश्वास हो, और मुझे तो लगता है यह विश्वास ही भगवत कृपा से चमत्कार कर देता है, जीवन को बदल देता है। इसलिए अगर भगवान न हो तो हम किसके पास जाएंगे प्रार्थना करने? भगवान नहीं होंगे तो हम किनसे कहेंगे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी? अगर भगवान नहीं है तो हम किससे कह रहे हैं अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे? इसीलिए मैं कहता हूं कि हृदय विश्वास कर ले और विश्वास पूर्वक प्रार्थना आरंभ कर दे, तो प्रार्थना के माध्यम से भगवान अपनी कृपा का चमत्कार करके जीव के जीवन को धन्य कर देते हैं। इसलिए बहस नहीं, विश्वास। एक कवि ने कहा इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गया गांव में, उसका मित्र भी उसके साथ था, तो कहा चलो गांव घूम कर आए। तो एक जगह कोल्हू चलाने वाला आदमी बैठा अकेला,
बैल अंदर घूम रहा है, वो बाहर बैठकर तेल बेच रहा है और पिराई का काम शुरू है। तो उस तार्किक मित्र ने सोचा कि अकेला आदमी कैसे पूरा कार्य कर लेता है, अपनी पूरी दुकान चला रहा है। उसने कहा कि बैल को कोई हांकने वाला नहीं, बैल कैसे चल रहा है। तो कहा कि हम जाके, उस आदमी ने कहा हम उसे जाकर हांक देते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वो समझता है हांकने वाला पीछे ही है इसलिए वो चल रहा है। उतार के बोला ये तो कोई बात नहीं हुई, यह भी तो हो सकता है कि बैल चलते चलते रुक जाए तो तुम्हें कैसे पता लगेगा, तुम तो बाहर बैठे हो। तो उसने कहा कि मैंने बैल के गले में घंटी बांध रखी, बैल चलते चलते रुकता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती, हम समझ जाते हैं बैल ने चलना बंद कर दिया, फिर जाके हांक देते हैं। वो तो तार्किक था, वो बोला ये तो ठीक है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़े खड़ा गर्दन हिलाता रहे, बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला क्षमा करें साहब, वो बैल है आपकी तरह तार्किक नहीं है। तार्किक की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। और मुझे लगता है कि नेति नेति कहने वाले विचारक को अगर सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु के वचन पर वह जब विश्वास करता है तब ब्रह्मानुभूति होती है। लेकिन विश्वास करने वाले को विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, उसका तो विश्वास है कि हमारे भगवान ये हैं। और जब भक्त को विश्वास होता है तो वह भगवान की ओर चल देता है, अपने लोगों को भी भगवान की ओर लेकर चलता है। श्री भरत जी को भरोसा है कि हमारे भगवान चित्रकूट में हैं, हमारे भगवान करुणा निधान हैं, हमारे भगवान कृपालु हैं। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठ सदा सदोष, लेकिन आपन जानि न त्यागी हैं मोहे रघुवीर भरो। राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो तो राम राम कह मीरा पी गई ने गुण बिगड़ो तो मुहे सिय राम भरोसो। राम राम कह मीरा पी गई राम राम ने कुन मन बिगड़ो तो मुसी इसलिए मैं सबकी बात नहीं कह रहा, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, अगर अगर किसी को भक्ति के सरोवर में स्नान करना है तो विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास। श्री भरत सबको लेकर साथ चलते हैं, माता मीरा जिसका प्याला पी गई और कोई प्रभाव नहीं पड़ा यह विश्वास की बात है। सबको लेकर श्री भरत चल रहे हैं,
साधना भले ही अलग अलग हो, कोई ज्ञान निष्ठा से भी यात्रा करे, कोई योग निष्ठा से भी यात्रा करे, कोई धर्म निष्ठा से यात्रा करे और कोई भक्ति भावना से यात्रा करे और कोई राम नाम स्मरण करते हुए यात्रा करे। लेकिन एक बात तय है, यात्रा जब चलती है तो चलती है, और यात्री को विश्राम कब मिलता है? जब उसको उसका लक्ष्य मिल जाए। और मुझे लगता है कि ज्ञान निष्ठा हो, चाहे योग निष्ठा हो, चाहे धर्म निष्ठा हो, चाहे भक्ति निष्ठा हो, चाहे नाम निष्ठा हो, इनको जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इन्हें विश्राम नहीं मिलता। क्योंकि चित्रकूट जाने वाले जब तक चित्रकूट नहीं पहुंच गए तब तक विश्राम नहीं मिला। अभी तो हम यात्रा में हैं, राम राम करते हुए यात्रा में हैं। अच्छा देखो, मान लो कोई विद्यालय में भर्ती हो, हाँ? अच्छा वो बीए का इम्तिहान दे रहा हो, बीए में भर्ती हो, तो वो बीए हो गया? अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने को बीए कहेगा कि नहीं, कि हम बीए में पढ़ रहे हैं? क्यों भाई, हमें ज्यादा समझ नहीं है, आप अच्छी तरह समझते होंगे बताएंगे। बीए में पढ़ने वाला ये कहेगा कि नहीं, कि हम बीए में पढ़ रहे हैं? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। अच्छा, तो क्या वो बीए हो गया है? जिस दिन परीक्षा देगा, परिणाम ठीक आएगा, तब वो बीए होगा। इसी तरह कोई साधु है, अभी शुरुआत हुई है, विद्यालय में भर्ती हुआ है, और वो कहे कि हम साधु हो गए, तो कह तो सकता है क्योंकि प्रवेश तो हो ही गया है। लेकिन क्या प्रवेश को ही पूर्णता मान लेनी चाहिए? और जो प्रवेश को ही पूर्णता मान लेते हैं वे परेशानी में पड़ते हैं। ये याद बनी रहे कि अभी तो हमारा प्रवेश है, अभी तो हमने यात्रा शुरू की है, अभी तो नाम लेना शुरू किया है, अभी तो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। इस भाव से जो बढ़ते हैं उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और जो प्रथम पड़ाव पर ही पूर्णता मानकर ठहर जाते हैं उन्हें कभी विश्राम की प्राप्ति नहीं होती। हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी हैं, पर ये चलें कहां से? चलें श्री अवध से, और अवध क्या है? श्रोता त्रिविध समाज पुरा, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। ये संतों की सभा ही अयोध्या है, और चित्रकूट जाने की यात्रा भी अयोध्या से शुरू हुई है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक की यात्रा अगर विश्वास हो तो सत्संग से ही शुरू होती है। तभी कहा, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, मिले रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे
तेरी बिगड़ी बनेगी। आहा, एक महात्मा श्रीधाम वृंदावन में रहते थे, उनका नाम था संत श्री माधव दास जी। वृंदावन से एक बार श्री जगन्नाथपुरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था। एक दिन भिक्षा के लिए गए, जिसके द्वार खड़े होते वही अपना सौभाग्य मानता संत को भिक्षा देकर। पर एक मैया बड़ी करकशा, वो देती तो कुछ नहीं, गालियां देती। फिर आ गया निठल्ले, किसी काम का नहीं, कुछ करता नहीं है। और माधव दास हंसते हुए लौट आते, पर उसके द्वारे अवश्य जाते। किसी ने कहा कि बाबा वहां क्यों जाते हो, वो तो कुछ नहीं देती। श्री माधव दास जी बोले, वो देती है जो कोई नहीं देता है, गालियां तो देती है। अच्छा, वो गालियां इसलिए देती थी, खीजी हुई महिला थी, उसके बेटे का विवाह हो गया था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए हैरान परेशान रहती थी। और उसको मिल गए माधवदास जी तो गालियां दे। एक दिन माधवदास जी हमेशा की तरह भिक्षा लेने उसके द्वार पर खड़े हुए, वो कपड़े के पोते से पुताई का काम कर रही थी। माधवदास जी को भिक्षा मांगते देखा, उसे आया गुस्सा, सो पोता उठा के फेंक के मारा, साधु की छाती में लगा। अब पोता फेंक के तो मार दिया, उसे लगा डर कि महात्मा कहीं श्राप न दे दे। पर माधवदास जी और जोर से हंसने लगे कि चल मैया, तूने नियम तो तोड़ा, कुछ ना कुछ तो दिया, लेकिन अब हम भी बिना दिए नहीं जाएंगे। संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। संत की वाणी अमोघ। उसके घर पौत्र का जन्म हुआ, वो कहती थी पोता दियो न प्रेम सो रिसबस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार, और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। और महात्मा ले गए उस कपड़े, कीचड़ से सने हुए कपड़े को जल से धोया, साफ किया, जब बिल्कुल स्वच्छ हो गया वस्त्र, तो उसे घी में डाल दिया। घी में पड़ा रहा रात्रि भर, सवेरे निकाला, छोटे छोटे टुकड़े बनाए, बत्ती बनाई, दिया जलाया, वह वस्त्र खंड कह रहा था, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन। पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपी वो चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, कूड़ा करकट साफ किया, फिर दीना घृत में डाल, इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा,
देखा ठाकुर द्वार बन गया पूजा का अर्धंग धन्य सत्पुरुषों का बदल देता जीवन का रंग धन्य है सत्पुरुषों का संग तुम्हें मंदिर में दिया बनकर जलता हूं झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करें गुणगाथ और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ भक्तजन लेवे हाथ उमंग धन्य है सतपुरुषों का के बारे में दो बातें पहली बात भगवान पर विश्वास दूसरी बात जो भगवान की ओर चलने वाले हैं या जिन्होंने भगवान को पाया है भगवान पर विश्वास किया है उनसे जुड़ने का प्रयास पहले भगवान पर विश्वास फिर भगवत प्राप्त महात्माओं से जुड़ने का प्रयास फिर भगवान मिल ही जाते हैं अनायास। आप चलें, संबंध पक्का होगा तो भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। पर लोग तो बड़े अद्भुत हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हम ऐसे नहीं मानते, आपकी बात कितनी भी प्रभावशाली हो आपके कहने से कैसे मानने के हैं, आपको मिले भगवान, आपको कोई अनुभव हुआ? हमने कहा नहीं हुआ। बोले तो माने कैसे जब आपको ही अनुभव नहीं हुआ? तो हमने कहा आप बिना अनुभव के कुछ भी नहीं मानते ना, अनुभव की बात मानते वैसे नहीं मानते। हमने कहा सोच लीजिए। बोले बिल्कुल सोच लिया अनुभव। तो हमने उनसे बात करते 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 कहा कि हमें एक बात बताओ, क्या जहर पीने से क्या होता है, विष पीने से क्या होता है? तो तुरंत बोले आदमी मर जाता है। तो हमने कहा आपने कितनी बार पिया, अनुभव है विष पीने का अनुभव है? बोले नहीं हमने तो नहीं पिया। हमने कहा फिर क्यों मानते हो? और अगर विश्वास न करो विष पर, अनुभव करो तो अनुभव बताने के लिए बचोगे? बोले लोगों को मरते देखते हैं और डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, हकीम कहते हैं, और अनेक लोग जहर पी के मर गए, इसलिए हम कहते हैं कि जहर पीने से आदमी मर जाता है। हमने कहा हद हो गई, डॉक्टर हकीम वैद्यों के कहने से तुम्हें विष पर विश्वास है? लोगों को मरते हुए देखकर तुम्हें विष पर विश्वास है? और जिस विश्वपति परमात्मा के लिए वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अनेक संत भगवान का भजन करके आनंद को उपलब्ध हो गए, अनेक भक्तों को भगवान का दर्शन हो गया, इतने प्रमाणों के बाद तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है और विश्व पर विश्वास है? और अपने को कहते हो हम अनुभव से मानते हैं हर चीज। सोचो तो जरा क्या हालत है हमारी। इसलिए विश्वास, और ये विश्वास करना आसान बात नहीं है। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। उस पर हम जान देते हैं अनवर जिसको आंखों से देखा नहीं है, विश्वास उसके प्रति। इसीलिए मैं कहता हूं विश्वास बड़ी बात। विश्वास माने अब बुद्धि को विश्राम मिल गया,
अब बुद्धि को विचार नहीं करना है, अब वह तो नहाए धोए आराम से रहे, वह तो भगवान की कीर्ति सागर में डुबकी लगाए आनंदित रहे। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, अब तो हमारा लक्ष्य निश्चित हो गया, भगवान है उनको हमें पाना है। तभी एक भक्त गा रहे थे, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप है किशोरी की हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से, न मतलब है हमारा, मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामी से, मिलेंगे सिया भला कैसा होता है विरही का जीवन, जरा पूछ लीजिए हमारे चरण में लगना, जो चरण में लगना, जो होने को होगा सो होगा इसी से, गरज है पर। श्री भरत जी चले जाए इसी भरोसे पर, यह ज्ञानी जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, ये अयोध्या से चले पर अयोध्या में रुके ही नहीं रहे, सत्संग से यात्रा आरंभ होनी चाहिए। आपकी जो निष्ठा हो उस निष्ठा में बैठकर चले, पर लक्ष्य भगवान होने चाहिए। लक्ष्य कभी दो नहीं होते, रास्ते कभी एक नहीं होते। जा रहे हैं भगवान से मिलने, लेकिन श्री भरत पद यात्रा कर रहे हैं। कौशल्या माता ने कहा, जाय समीप राख निज डोली। माता कौशल्या ने कहा कि भरत तुम पैदल चल रहे हो, अच्छा नहीं लगता, रथ में बैठ जाओ। भरत रोने लगे। श्री भरत जी ने कहा, राम पया देही पाए सिधाई, हम कहां रथ गज
बाजी बना। राम जी इसी मार्ग से पैदल पैदल गए। हम सवारियों पर बैठ कर जाए, सिर भरी जाऊं। उचित यस मोरा सब ते सेवक धर्म कठो। हे माता, मुझे तो सिर के बल चलकर जाना चाहिए इस रास्ते से। श्री राम जी पैदल पैदल गए, बिना पादत त्राण के गए, और मैं घोड़े पर बैठकर जाऊं, बैठ अश्व पर जाऊं मैं पैदल गए रघुनाथ। जहां स्वामी के पग परे तहां सेवक को माथ। माता कौशल्या के कमल लोचन भर गए, आंसू बरस पड़े। भरत तुम्हारी भावना धन्य है, किंतु तुमको पैदल चलते देखकर सब पैदल चलने लगे। सबने सवारियां छोड़ दी और सभी पैदल चलने लायक नहीं है। सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोग। संदेश ठीक नहीं जा रहा है। भरत तुम अपने सुख के लिए नहीं, इन लोगों के सुख के लिए रथ में बैठ जाओ। भरत जी का आग्रह नहीं है, और मुझे लगता है कि जो आग्रह मुक्त होते हैं वे ही भगवान के अनुग्रह के पात्र होते हैं। अगर हमारे अच्छे कार्य से भी गलत संदेश जा रहा है, तो गुरुजनों की सम्मत से, माता की आज्ञा से हमें बैठ गए। श्री भरत गुरु जी के साथ ही बैठ गए। अब ये सभी प्रेम में डूबे हुए जा रहे हैं। जब ही राम कही ले ही उसांसा। श्री भरत जब राम कहकर उसांस भरते हैं, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। ऐसे लगता है जैसे चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ा हो। द्रवही एक पर्वत दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सूखा है पर्वत, सभी देख रहे हैं। लेकिन अचानक पर्वत का वह पाषाण खंड पिघल गया, झरना बहने लगा। ये अचानक क्या हुआ? अरे और कुछ नहीं, यह तो श्री भरत जी की वाणी से निकले हुए राम नाम का चमत्कार है। द्रवही वचन सुनी कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाही बखाना। मिल जाओ राम तरस नहीं अखिया, मिल जाओ मनोरथ जस जिए जाके। करत मनोरथ जस जाही सने सुरा सब छाके। मिल जाओ तरस रही। संबंध का निर्वाह देखो। श्री भरत जी अपने पूरे दल के साथ इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान श्री राम के मित्र
भक्तवर श्री निखाद राज को समाचार मिला, भरत आ रहे हैं। श्री निखाद राज ने सोचा श्री भरत, तब तक किसी दूसरे ने आकर कहा सेन संग चतुरंग नथोरी, सेना है साथ में। निखाद राज को भ्रम हो गया। श्री निखाद राज को लगा कि राम जी को वन में अकेला जानकर सेना लेकर भरत आक्रमण कर रहे हैं। बस निखाद राज को क्रोध आ गया। मैं तो कहता हूं धन्य है ऐसा क्रोध जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। निखाद राज ने कहा बस बस हो गया, साथियों तैयार हो जाओ। सन्मुख लौह भरत सन लेऊं, यत न सुरसरी उतरन दे। आज अपने जीते जी उनको गंगा पार नहीं करने दूंगा। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। जोपे जी न हो तो कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर मन में कुटिलता का भाव नहीं तो ये सेना लेकर क्यों जा रहे हैं? पर मैं भी नहीं गंगा जी के पार नहीं होने दूंगा, युद्ध करूंगा। जियत न सुरसरी उतरन दे। अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे तो गुरु चेले परंपरा है गुरु शिष्यों की, लेकिन गुरु शिष्यों की परंपरा का सबसे बड़ा द्योतक एक सूत्र है, जहां शिष्य को देखकर गुरुदेव याद आ जाए, समझ लो ये सच्चा शिष्य है। क्योंकि गुरु शिष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं, वे शरीर छोड़कर शिष्य में ही समा जाते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, इसलिए शिष्य सदगुरु का स्वरूप ही है। निखाद राज भी किसी के शिष्य हैं, किसके? श्री लक्ष्मण जी के। और लक्ष्मण जी हैं चित्रकूट में और निखाद राज हैं श्रृंगवेरपुर में, पर इतनी दूरी होने के बाद भी गुरु शिष्य में कोई दूरी नहीं है। निखाद राज के बोलने के ढंग से लगता है कि ये लक्ष्मण जी के ही शिष्य हैं, बिल्कुल एक जैसी बोली। लक्ष्मण जी ने क्या कहा चित्रकूट में श्री भरत जी को देखकर? आज राम सेवक जस ले हूं, भरत ही समर सिखावन दे। आज राम जी के सेवक का यश लूंगा और भरत को भी युद्ध में सिखा दूंगा। ये कौन बोले? गुरु जी। तो चेला जी क्या बोले? सन्मुख लौह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतरन दे। ये हैं गुरु और शिष्य, कैसे अंतःकरण एक हो गए। एक कहां लग सही रही मन मारे, नाथ साथ धनो हाथ हमारे। ये लक्ष्मण जी कहते हैं। और निखादराज, समर मरण पुर सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। श्री लक्ष्मण जी कहते कुटिल कुबंध कुअवसर, ताकि जानी राम बनवास इकाकी। तो निखादराज कहते जोपे जी न हो तो कुटिलाई, तौकत लीन संग कटकाई। श्री भरत जी के प्रति जो भावना लक्ष्मण जी की है वही भावना शत्रुघ्न जी की है। इसका अर्थ है कि गुरु शिष्य इतने अभिन्न हो जाते हैं कि दोनों के अंतःकरण दो होकर भी दो नहीं रहते हैं। यह है अनन्यता। लक्ष्मण जी को भी देवताओं ने रोका और निखादराज को भी किसी ने रोका। निखादराज बोले बस सेना तैयार करो, भाई लाव धोक जिन्हें आज काज गड़बो है। और सेना की जो तैयारी की सूचना दी, इतना कहत छींक भई बाए, इतना
नाथ जी कभई बाए इतना छीक भई बाए इतना भाई।